हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज मैं बढ़िया सी रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये बनाए मैंने घर पर नट क्रैकर्स, जो कि मार्केट से काफ़ी महंगे मिलते हैं। जब घर पर आप इनको बनाएंगे ना, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम, मतलब कम प्राइस में तैयार हो जाते हैं, बहुत ही लो बजट में तैयार हो जाते हैं। जो कि घर पर सामान है इनमें वही डलता है, ज़्यादा कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मूंगफली की गिरी लाइए और फटाफट से सिर्फ पाँच मिनट में तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और यकीन मानिए बिल्कुल मार्केट जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल भी इनमें आप बता नहीं सकते कि मार्केट के हैं या घर के। तो चलिए देख लेते हैं मैंने किस तरीके से इनको बनाया है। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन ले लिया है और इसमें डाल दूंगी देसी घी। तो देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो घर पर कोई भी चीज़ बनाने का ये होता है कि हम अपनी मनपसंद अनुसार उसमें मसाले और मनपसंद अनुसार चिकनाई डालते हैं। अब बाहर का हमें नहीं पता होता है कि किस तरीके की चिकनाई डाली गई है और किस तरीके के मसाले। तो यहाँ पर घर का बना हुआ शुद्ध इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी पसंद का सब कुछ डालते हैं। तो मैंने देसी घी डाल दिया है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी मूँगफली की गिरी। तो देखिए, ये मूँगफली की गिरी है देसी वाली। ये भी दो तरीके की आती है, एक तो देसी वाली आती है और एक आती है हाइब्रिड वाली, जो कि थोड़ी मोटा दाना होता है। तो हम लोग देख कर तो यही सोचते हैं कि मोटे वाला जो दाना होता है वो ज़्यादा बढ़िया होती है, लेकिन नहीं, खाने में जो टेस्ट होता है ना, वो जो ये छोटा दाना होता है देसी वाली, इनका बहुत अच्छा होता है। ये खाने में मीठी लगती हैं, इनकी अपनी जो मिठास होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर इन गिरियों को हम इस तरीके से भून लेंगे और जब तक ये बढ़िया से चटक ना जाए, बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर इनको भूनना है, गैस तेज़ नहीं रखनी है। तेज़ गैस पर ये जल जाएंगी और बढ़िया से भुनेंगी नहीं, क्रिस्पी नहीं होंगी। तो इनको बढ़िया से भून लेते हैं और उसके बाद मैं आगे बताऊँगी कि क्या करना है। देखिए, मार्केट से जितनी आप 100 रुपये की गिरी लाएंगी ना, घर में उतनी 20 से 25 रुपये के खर्चे में तैयार हो जाएंगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, 5 मिनट का टाइम लगता है इनको बनाने में। जब आप एक बार बना लेंगे तो आप बाहर से लाना ही बंद कर देंगे, आप घर पर ही बनाएंगे। देखिए, गिरी मेरी भुन गई है, अब मैंने गैस को कर दिया बंद। चलिए अब मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले डाल देंगे हम बाउल में बेसन। तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच बेसन ले रही हूँ। यहाँ पर मैं 250 ग्राम मूँगफली की गिरी में बना रही हूँ ये। तो आप जितना सामान रखेंगे उस क्वांटिटी के हिसाब से मसाला तैयार कीजिएगा। 1.5 चम्मच बेसन में मैंने 1 चम्मच डाल दिया है अरारोट पाउडर, भरकर 1 चम्मच डालना है। इससे क्या होगा, इससे जो गिरी हमारी क्रिस्पी बनेगी। थोड़ा सा डाल दिया है काला नमक, थोड़ा सा डाल दिया मैंने सफ़ेद नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा डाल दिया धनिया पाउडर। थोड़ा सा अमचूर पाउडर जरूर डालिएगा, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी डाल दी हल्दी। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सा एकदम मिक्सचर हमारा ही तैयार हो गया है। तो अब हमारी जो मूंगफली की गिरी हमने भून कर रखी थी, देखिए ये भी ठंडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जो ये हमने मसाला डाला है, मसाला बनाया है, तो उसको हम इनमें डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है एक साथ, क्योंकि हमें इसको मतलब घोल की तरह नहीं बनाना है, बिल्कुल ड्राई रखना है, जिससे कि गिरी हमारी चिपके नहीं, बिल्कुल एक एक गिरी रहेगी। तो यहाँ पर मैं बाकी मसाला भी डाल दूंगी, क्योंकि जितना मैंने बनाया है ये सारा इसमें डल जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। एक साथ डालने से क्या होगा कि वो हमारा एक साथ चिपक जाएगा और इनका जो गिरी है हमारी, इनका गुच्छा बन जाएगा। जबकि हमें ऐसा नहीं बनाना है, बिल्कुल जैसे मार्केट से आती है ना एक एक गिरी खिली खिली, बिल्कुल उसी तरीके की तैयार करनी है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा डालिएगा। थोड़ा थोड़ा डालने के बाद इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो ये हमारा मसाला है इक्वली सारी मूंगफली की गिरी के साथ चिपक जाएगा और गिरियां हमारी एक साथ गुच्छा नहीं बनेंगी, बिल्कुल खिली खिली रहेंगी। तो ये देखिए, बिल्कुल मसाला बढ़िया से चिपक गया है इन पर, ये देखिए। तो अब फ्राई करने के लिए तैयार है ये। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो कि आप घर में यूज करते हैं, पर मैं मेरे हिसाब से तो जो है बेस्ट सरसों का तेल ही है।
फ्राई करने के लिए या सब्जी छोंकने के लिए मुझे सरसों के तेल से बेस्ट कोई तेल नहीं लगता है। तो यहाँ पर सरसों का तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए एक एक गिरी बिल्कुल इस तरीके से डालनी है, ये देखिए बिल्कुल खिली खिली है ना, इसी तरीके से डालनी है और इनको फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, गैस आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर गैस तेज़ होगी ना तो आपकी जो गिरियाँ हैं इनका मसाला जल जाएगा और उसका जो फ्लेवर टेस्ट है वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर इन्हें गोल्डन होने तक बढ़िया सा सेक लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सी गोल्डन हो गई है। अब हमने क्या किया है, हमने एक पेपर ले लिया है और उस पर इस तरीके से निकाल लेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर पर रह जाएगा और हमारी जो गिरियाँ हैं बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। तो इसी तरीके से सारी जो गिरियाँ हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बाकी की भी मैं डाल दूंगी, इसी तरीके से फ्राई कर लूंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया, एकदम देखने में ही लग रही है ना क्रिस्पी, खाने में भी बहुत ही बढ़िया बनी है। यकीन मानिए जब आप घर में एक बार बनाएंगे ना तो आप मार्केट से लाना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, आप घर पर ही इस नमकीन को तैयार करेंगे। तो ये भी मेरी गिरी तैयार हो गई है। ये देखिए, तो भाई नट क्रैकर्स तो बच्चे और बड़े सभी के फेवरेट होते हैं, इनको खाने से तो कोई मना कर ही नहीं सकता। अब जब ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है और थोड़ा सा जो सेव के साथ आता है ना दाल सेम के साथ, वो वाला मसाला इजीली सभी के घरों में होता है, तो थोड़ा सा वो डाल दीजिए। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आएगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा। ये देखिए ये मैंने जो दाल सेम के साथ आता है ये मैंने वो मसाला डिब्बी में करके रखा हुआ था, थोड़ा ये डाल दिया है, थोड़ा चाट मसाला, और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये हमारी बढ़िया वाली नमकीन तैयार हो गई है घर पर ही, नट क्रैकर्स वाली। अब इसको ठंडा होने के बाद आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में बंद कर रख दीजिए। इसे आप इजीली महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फटाफट से ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी क्रिस्पी एकदम लग रही है ना मार्केट जैसी। तो ट्राई कीजिए आप भी एक बार ये वाली रेसिपी। और आप सभी को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हर रोज आने वाली एक नई वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, मेरी नीचे की ठंडी हो गई है, अब मैं इस कंटेनर में रख दूंगी बंद करके। तो ये देखिए, चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।